नागरिकता कानून पर मचे बवाल की, इस पर अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। नागरिकता कानून के समर्थन में निकाली गई रैली में गडकरी ने कहा कि क्या हिंदू होना पाप है? दुनिया में मुस्लिमों को शरण देने के लिए सैकड़ों देश और लेकिन हिंदुओं के लिए सिर्फ भारत है। साथ ही नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों को गडकरी ने गुमराह बताया। साथ ही यह भी कहा कि नागरिकता कानून पर अगर लोग कन्विंस नहीं तो कंफ्यूज ही सही। तो मामा साहब ने संविधान में यह कहा है कि इन देशों के मुसलमानों को अगर अपना देश छोड़ना होगा, अगर छोड़ने की इच्छा होगी तो उनको 100 मुस्लिम राष्ट्र में जाकर शरण हो सकते हैं। और हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, हिंदुस्तान के बौद्धों के लिए, जैन समाज के लोगों के लिए, ईसाइयों के लिए, पारसियों के लिए कोई राष्ट्र नहीं है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने जा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोग जुटें। रैली के लिए दिन भी रविवार का चुना गया है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी आज की रैली में नागरिकता कानून को लेकर फैले भ्रम को तोड़ेंगे, देश के सामने तथ्यों को रखेंगे, जिससे कि लोगों में ये भरोसा जागे कि नागरिकता कानून किसी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए है। इसके अलावा दिल्ली में हाल ही में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का जो फैसला हुआ, इस फैसले के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी के प्रति आभार जताने का फैसला किया है। रैली का आयोजन भी इसी के लिए किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आज की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। और पीएम मोदी की धन्यवाद रैली पर बीजेपी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और बीजेपी राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनियों के लिए उत्सव का माहौल है और ये माहौल आज रामलीला मैदान में हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, घरों से चल करके लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे में हम सभी उनका स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का समय लिया है उनका आभार करने के लिए, जो उन्होंने दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा कॉलोनियों को, अनऑथराइज कॉलोनियों को मालिकाना हक दे दिया है। सभी लोग उनको धन्यवाद करने आ रहे हैं। वो जो लाल कपड़े में रखा है वो सब हस्ताक्षर है और थोड़ी देर में हम लोग अपने वहां से हम सभी सांसद उठा के ऊपर ले जाके मोदी जी को देंगे। अनऑथराइज कॉलोनीज की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर एक मैसेज है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार ने विकास किया है। 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को जो मालिकाना हक दिया है, मैं समझता हूँ लोगों को लगता है इसके बाद वहाँ विकास के काम भी होंगे। जो हस्ताक्षर हैं वो प्रधानमंत्री को सिंबॉलिक भेंट किए जाएंगे, सारे हस्ताक्षर तो यहाँ आने मुश्किल है। और मैं समझता हूँ ये 11 लाख लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 40 लाख लोगों को, कि भाई प्रधानमंत्री जी ने अनऑथराइज कॉलोनीज को जो मालिकाना हक दे दिया, वो भी सिर्फ 1000-2000 रुपए के अंदर इनकी रजिस्ट्रियां हो जाएंगी, वो बहुत बड़ी बात है। और रामलीला मैदान में सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर दिल्ली पुलिस के PRO MS रंधावा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्या क्या व्यवस्था है? हमारे साथ MS रंधावा हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर। सर रंधावा साहब, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं आसपास? ये पूरा जो एरिया है ये हमने 11 रीजन्स में बांटा हुआ है और हमारे 20 एडिशनल DCP के आसपास ऑफिसर्स लगे हुए हैं। पूरा जो रूफ टॉप्स है उनको कवर किया हुआ है। एंटी ड्रोन टीम्स लगी हुई हैं, NSG की हिट टीम्स लगी हुई हैं, कमांडोज की डिप्लॉयमेंट है और इसके साथ साथ जितने भी एंट्रीज हैं और उनमें से हमने कई जगह फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया हुआ है। इस बार ये रैली में फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। और जो आउटसाइड फोर्स है 20 कंपनी के आसपास हमारी आउटसाइड फोर्स है। जो जनता आएगी इसमें काफ़ी माना जा रहा है कि लाखों, 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, तो उन लोगों की सुरक्षा चेकिंग के लिहाज से कितने पॉइंट्स बनाए गए हैं, क्या क्या? बिल्कुल, जो लोग आएंगे उनकी डबल चेकिंग होगी, DFMD से चेक होकर अंदर जाएंगे और अगर कोई बैग वगैरह आता है उसके लिए हमने एक्सरे स्कैनर लगाए गए हैं। इसके लिए
मोटे तौर पे हमने जो है 5 हमारे पॉइंट्स हैं और उसमें से जो डीएफएमडी है 60-70 के आसपास डीएफएमडी से लगे। कितने गेट्स हैं पब्लिक के लिए एंट्री रखी गई है रामलीला मैदान में? इनमें अलग अलग है, जो 3 गेट वीआईपीज के लिए हैं और 1 मीडिया के लिए है और 5 गेट पब्लिक के लिए। खासतौर से रामलीला मैदान के आसपास चूंकि हैवी ट्रैफिक भी रहेगा तो कोई एडवाइजरी आप लोगों ने जारी की है लोगों को? दिल्ली पुलिस ट्रैफिक की तरफ से एक एडवाइजरी भी है और जैसे जैसे यहाँ रश ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्लान है, उसी के दौरान हम ट्रैफिक जो है वो डिवर्ट करेंगे। अभी जो नॉर्मल है ट्रैफिक। जी, आपने कहा फेस रिकग्निशन, तो ये जो लोग आएंगे रैली में उनके लिए भी है या किसके सभी गेटों पर है? हाँ, ये हमारा रैंडमली होता है, इसमें जो भी हमारे पास सस्पेक्टेड लोग होते हैं उनको चेक करने के लिए और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये लगा हुआ है। अंतिम सवाल सर, ऐसी संभावना कहीं हो कि कहीं जिस तरह का दिल्ली में कहीं कहीं प्रदर्शन चल रहा है कि वो लोग रामलीला मैदान के आसपास ना पहुंचे हो तो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया गया, कोई भी स्नैप डेमोंस्ट्रेशन को देखते हुए इसका पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एम एस रंधावा हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम हैं रामलीला मैदान के आसपास। उन्होंने कहा है कि टीमें कमांडोज की टीमें तैनात की गई हैं, एनएसजी के कमांडोज तैनात किए गए हैं, यानी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम हैं रामलीला मैदान में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं बड़ी रैली। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां हिंसक प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 पहुंच गई है। जी हां, मरने वालों की तादाद हिंसक प्रदर्शन में 18 तक पहुंच गई है। हिंसक प्रदर्शनों में 3 और लोगों की मौत के बाद यह आंकड़ा बढ़ा है। इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नागरिकता कानून का विरोध करने के दौरान हिंसा करने वालों से सख्ती से निपट रही है। सरकार लखनऊ में उपद्रव करने वालों के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी में जुट गई है। कई लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। उपद्रव में शामिल करीब 250 लोगों के खिलाफ रासुका लगाई जा सकती है। तो एक तरफ जहां देश भर में नए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं नागपुर में इससे अलग इस कानून के समर्थन में रैली निकाली गई। लोकाधिकार मंच के बैनर तले यह रैली निकाली गई है। ये रैली नए नागरिकता कानून को देश के लिए जरूरी बताने के मकसद से निकाली गई, साथ ही कानून को लेकर फैली अफवाहों से लोगों को दूर रहने की इसमें अपील की गई। रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून का साथ दे रहे लोगों ने इसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली। मुंबई में भी एक विशाल तिरंगा यात्रा निकालकर नागरिकता संशोधन कानून का लोगों ने समर्थन किया। ठाणे जिले में भी CAA के समर्थन में राष्ट्रीय मतदाता मंच ने प्रदर्शन किया। बेंगलुरु की बात करें तो वहां भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली।